नमस्कार, मैं चंचल जैन, कुकिंग मनोरंजन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी और वड़ा। राजस्थान में उसको आम वड़ा की कढ़ी कहते हैं, आम वड़ा बोलते हैं। आइए देखते हैं। कढ़ी बनाने के लिए चने की दाल को 2 घंटे भिगो के रख दिए, पानी निकाल दिए। ये चने की दाल की कढ़ी बनाएंगे हम। मिक्सी में चने की दाल डाल दिया है और ये धनिया पत्ता है, पुदीना है, 2 हरी मिर्ची है, थोड़ी अदरक है, वो भी हम इसके साथ में पीस लेंगे चने की दाल के साथ में। ये एकदम अच्छा फ्लेवर आता है पुदीना और कोथमीर का। पुदीने के पत्ते और धनिया पत्ता, अदरक, हरी मिर्ची सब मिला के अच्छे से बारीक पेस्ट बना लिए है। और ये पेस्ट बनाने के बाद हमने दही को भी घोट के रख लिया है। अब ये पेस्ट हम इसके अंदर मिला देंगे। बड़े चम्मच से 2 चम्मच घी लिया है, इसमें राई डालेंगे 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच के करीब जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच हींग डालेंगे। कढ़ी में हींग की खुशबू बहुत अच्छी आती है, हींग थोड़ी ज़्यादा ही डालेंगे। ये करी पत्ता डालेंगे। ये जो दही घोट के हमने चने की दाल पीस के पुदीना और धनिया पत्ती, हरी मिर्ची, अदरक पीसे है वो इसमें मिक्स कर दिया है, अब वो इसमें डालेंगे। तो आपको इसमें बेसन डालने की ज़रूरत नहीं है, बेसन के बदले हमने चने की दाल डाल दी है। और हमारी कढ़ी देखिए ग्रीन कलर की बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे और 1 चम्मच धनिया छोटा चम्मच से, स्वाद अनुसार से नमक लेंगे। 1 चम्मच हमने डाला है इसमें नमक। हरी मिर्ची डाल दिए तो लाल मिर्ची डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हलाते रहना, छोड़ना नहीं है, नहीं तो दही फट जाएगा। बराबर अच्छे से उबाला आए जब तक हलाते रहना है। देखिए कढ़ी का कलर एकदम लाइट ग्रीन कलर का आया है। साइड में हम बड़े तल देंगे। बनाने के लिए हमने 1 कटोरी मूंग की दाल और 1/2 कटोरी उड़द की दाल लिए है, 2 घंटे भिगो के रख दिए उसको। अब पानी निकाल दिए हैं। दाल 1 कटोरी और 1/2 कटोरी उड़द की दाल लिए, उसको भी हम पानी निकाल के अब इसमें पीस रहे हैं। ये दाल को एकदम बारीक से पीसना है, थोड़ा पानी भी मिला के पीस सकते हैं। और पतला रहेगा, एकदम गाढ़ा भी नहीं, एकदम पतला भी नहीं, तो उसके वड़े एकदम सॉफ्ट बनेंगे। अच्छे बारीक पीस लिए हमने, अब इसको निकाल देंगे। बड़े का पेस्ट है, इसके अंदर हम लाल मिर्ची डालेंगे थोड़ी 1 चम्मच और हींग डालेंगे 1/2 चम्मच, 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इस तरह से लेना है, एकदम गाढ़ा नहीं लेना है। गाढ़ा रहे तो अंदर से गांठ जैसी आ जाती है, स्मूथ नहीं बनता है बड़ा, नहीं तो एकदम स्मूथ बड़ा बनेगा। बड़े तलने के लिए हमने तेल लिया है, अब इसमें हम बड़े डालेंगे। तरह से लेके एक एकदम ऐसा छोड़ना है तो एकदम राउंड आएगा आपका बड़ा।
और डल्ला नहीं आएगा, बीच में गांठ बिल्कुल नहीं आएंगे, एकदम अच्छे पोसरे बनेंगे और एकदम स्मूथ बड़े बनेंगे आपके। इसलिए हमने थोड़ा सी गीला घोल रखा है, एकदम ये हमारे सुनहरे कलर के आ गए हैं बड़े। बड़े तैयार हो गए हैं, कढ़ी तैयार हो गई है, एकदम अच्छी उबल गई है। अब इसमें हम ये बड़े डाल देंगे। इस तरह से इसको ज़्यादा उबालने की भी ज़रूरत नहीं है, बड़ों को एक 10 मिनट में एकदम रुई जैसे नरम हो जाएंगे। तो अब इसको हम बंद कर देते हैं। के लिए हमने थोड़ा सा घी लिया है, इसमें हम जीरा डालेंगे, करी पत्ता, हरी मिर्ची और साबुत लाल मिर्ची है वो भी हम डाल देंगे। लाल मिर्ची पाउडर और लाई थोड़ी सी खली डालेंगे। इस तरह से हम इसमें बगार डाल देंगे। ये देखिए हमारे आम बड़े की कढ़ी तैयार है।